नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। सो दोस्तों, आज हम मछली धोने का एक बहुत ही आसान फॉर्मूला आप सबके साथ शेयर करेंगे। यदि आप कम क्वांटिटी में मछली लाते हैं या ज़्यादा क्वांटिटी में, अगर इस फार्मूले से मछली को आप वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, तो आपकी मछली बनेगी एकदम स्वादिष्ट। वैसे तो कई सारे तरीके होते हैं दोस्तों मछली को वॉश करने का, क्लीन करने का, लेकिन हम आज आप सबको एकदम बहुत ही सिंपल और सरल तरीका बता रहे हैं। इससे अगर आप मछली को वॉश करेंगे तो मछली एकदम 100% क्लीन होगा और उसका स्मेल भी चला जाएगा। आप मछली का कोई भी रेसिपी बनाइए, एकदम परफेक्ट बनेगा। तो शुरू करते हैं मछली धोने का ये बेहतरीन सा प्रोसेस। तो बाजार से लाया गया इस मछली को सबसे पहले हम एक साफ स्थान में पलट लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में है। और पलटने के बाद दोस्तों, इसमें हम ऊपर से पानी गिराते हुए गल के हाथों से नीचे ऊपर करेंगे ताकि ये साफ़ हो। और लगभग 2 से 3 मिनट जब इसे हम नीचे ऊपर करेंगे ऊपर से पानी गिराते हुए, तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये साफ़ होगा। तो सबसे पहले हम मछली को पानी से अच्छे से यहाँ पे वॉश करेंगे। और जैसे जैसे मछली साफ होगा, मछली में बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे चमक आने लगेगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम पानी से मछली को बढ़िया से वॉश किए। अब दोस्तों, यहाँ पे हम डालेंगे गेहूं का एक मीडियम कटोरी, हमने आटा लिया हुआ है तो आटा को ऐड कर लेंगे। तो मछली के हर पीसेस के ऊपर आटे को अच्छे से यहाँ छिड़क लेंगे। यहाँ मछली का हेड है, इसके अंदर भी आटे को लगा लेंगे अच्छे से। आटे को लगाने के बाद दोस्तों, अब यहाँ पे जाएगा नींबू। नींबू का रस अच्छे से निचोड़ लेंगे। आप नींबू के जगह वाइट विनेगर भी ले सकते हैं, सफ़ेद सिरका, लेकिन नींबू बेस्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिए हैं 3 मीडियम साइज का नींबू और नींबू का रस अच्छे से यहाँ पे निचोड़ लेंगे। नींबू के रस को निचोड़ने के बाद दोस्तों, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं सफ़ेद नमक। ये हमने 1 मुट्ठा यहाँ पे सफ़ेद नमक इस्तेमाल किए हैं दोस्तों, यानी कि 1 केजी मछली में 1 चम्मच के बराबर नमक पर्याप्त है। अब आटा, नींबू का रस और ये सफ़ेद नमक तीनों को ऐड करने के बाद हमें फिर वही प्रोसेस दोहराना है यहाँ पे। तो हल्के हल्के हाथों से मछली को यहाँ पे अच्छे से मिला लेंगे दोस्तों, ताकि सारा इंग्रेडिएंट्स जो हमने ऐड किया, आटा, नमक, नींबू, ये सब अच्छे से मिल जाए, हर पीसेस में ये मिल जाए। और इसको मिलाने के बाद कम से कम इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर इसको हम फाइनली पानी से वॉश करेंगे। और ये मछली का हेड है तो इसके अंदर वाले जो हिस्सा है यह हम अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि बाहरी हिस्सा तो बहुत जल्द साफ हो जाती है, लेकिन इसकी जो अंदर वाला हिस्सा है इसको अच्छे से हमें यहाँ साफ करना होता है। तो मछली को मिलाए हुए यहाँ पे लगभग 5 मिनट हो चुका है दोस्तों। अब फाइनली यहाँ पानी से वॉश करेंगे और आप देखिए मछली कितना एकदम चांदी की तरह यहाँ पे मछली यहाँ चमकने लगेगा, इतना बढ़िया से साफ होगा दोस्तों। पानी डालते ही देखिए कितना बढ़िया से यहाँ पे गंदगी, सब जितना भी वेस्टेड है सब निकल रहा है यहाँ से। और एक एक पीसेस को यहाँ पे इस तरह से उठाएंगे और जो भी कुछ वेस्टेड पार्ट्स इसमें लगे हों इसको भी हम अच्छे से साफ करते जाएंगे। और आप देख सकते हैं मछली कितना बढ़िया से, यहाँ पे मछली का एकदम फ्रेशनेस कलर दिख रहा है यहाँ पे।
तो फाइनली देख सकते हैं दोस्तों, मछली अपना एकदम चांदी की तरह चमकने लगा है, एकदम जबरदस्त सा। सभी मछली के पीसेस को यहाँ पे लेंगे और इसी तरह से हम धोते हुए रखते जाएंगे। और ये बहुत ही बेहतरीन सा मछली हमारे यहाँ पे धोके रेडी हो रहा है दोस्तों। और ये फिश के हेड के अंदर वाले हिस्से को हम अच्छे से यहाँ वॉश करेंगे। बाहर का हिस्सा तो बहुत जल्द साफ हो जाता है, बट अंदर वाले हिस्से को अच्छे से यहाँ पे वॉश करना होता है। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पे हमारी सभी मछलियाँ धो के रेडी है और आप अगल बगल देख सकते हैं कितना वेस्टेड निकला है दोस्तों, और मछली यहाँ पे एकदम क्लीन हो गया है दोस्तों। आप इस तरह से मछली को यदि वॉश करते हैं और मछली का कोई भी रेसिपी बनाते हैं, एकदम परफेक्ट बनेगी। आप चाहे मछली को फ्राई कीजिए या फिर बहुत सारा रेसिपी मछली का ऐसा बनता है जिसमें मछली फ्राई नहीं की जाती है, उसमें भी ये एकदम जबरदस्त बनेगी, मछली का स्मेल नहीं आएगा। बहुत ही बेहतरीन रूप से यहाँ पे मछली साफ हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, मछली धोने का ये फार्मूला कैसा लगा आप सबको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम बहुत जल्द आप सबके बीच में मिलते हैं फिर से एक नया डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।